हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी को गौरव की तरफ से एक प्यारी सी नन्नी सी गुड मॉर्निंग। अभी लोकेशन देख सकते हैं, अनिश भाई की ब्लॉग में आपको पता ही होगा कौन सी लोकेशन है। अभी हमें साहिल भाई के घर, तो साहिल भाई और अनिश भाई गए किसी काम से, जरूरी काम से बाहर। एंड साहिल भाई के पापा और मम्मी के साथ हम जा रहे हैं सेब के बाग में। आज इस वीडियो में देखने वाले आपको दी कश्मीरी सेब, दी कश्मीरी शॉल वगैरह वगैरह आपने सुना होगा। आज आप देखोगे दी कश्मीरी सेब, क्योंकि साहिल भाई के अपने खेत है ना, पूरे सेब के अपने बाग हैं, तो वहां पे हम जाएंगे, वो दवाई वगैरह डालेंगे, मस्त सेब भी खाएंगे, रिव्यू करेंगे पूरा ए टू जेड। क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा ब्लॉग इतना लंबा होता है, पूरी एक एक नॉलेज होती है सब में, पूरा हम रिव्यू देने वाले। तो यहाँ से हम चलते हैं, निकलते हैं सीधा वहीं पे आके निकले हम घर से। ये छोटी सी रेडी हम साथ लेके जाएंगे, मतलब थोड़ी सी बम्बी फिट है, इंजन फिट है, दवाई है, पूरा सामान है, पाइप है उस सेबों को दवाई मारने के लिए। मेरे लिए भी नई चीज़, आप देखते हैं वहाँ पर जाके पता चलेगा कि कैसे मारते हैं, दवाई कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह, आपको ये पूरा दिखाएंगे डिटेल में। बस बने रहना लास्ट तक, और लाइक गेम का टारगेट करते हैं, जितनी आपके डिस्प्ले में दिख रहा है ना उससे एक ज्यादा है, तो जल्दी से लाइक गेम का टारगेट पूरा कर दो। और यहाँ से गलियों से निकलेंगे, सड़क से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो पर खड़ी अपनी साहिल भाई की गाड़ी, बस यहीं से उनकी गली होती है अंदर जाने की घर की। और यहाँ पे ये अपनी छोटी लेडी अंकल जी गए यहाँ पे शॉप के अंदर दवाई लेने, ले जाएंगे थोड़ा काफ़ी आगे, मतलब कोई मान के चलो आधा किलोमीटर की दूरी पे खेत है, आधा किलोमीटर या 700-800 मीटर होगा, मतलब 1 किलोमीटर के अंडर ही। वहाँ तक हम इस गाड़ी को, छोटी गाड़ी को ले जाएंगे धीरे धीरे, फिर वहाँ पे जाएंगे सीधा खेत में। तो देखते हैं, फिर मेरे लिए नई चीज़ है, पहले तो मैं पेड़ भर के सेब खाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं भूख लगी है, लेकिन बस मतलब वो होता है ना अंदर, मतलब दिल कर रहा खाने का ताजे ताजे सेब। मुझे कमेंट करके बताना हमें से कितने बंदों ने पेड़ से उतार के सेब खाए। मार्केट में तो हर लगभग हर इंसान ने खाए ना, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि पेड़ से उतार के मतलब बिल्कुल ताजे जस्ट अपने हाथ से उतारे हैं फिर खाए। अपनी गाड़ी आ चुकी है पेट्रोल पंप में तेल डलाने। भाई गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, एक टायर दो टायर तीन टायर हो या 20 टायर हो 10 टायर हो, तेल तो खाएगी मेरी जान। लेकिन ये गाड़ी का तेल नहीं है, ये इंजन रखा हुआ है ना जो पूरा पंप चलाएगा, फिर दवाई से स्प्रे होगी, ये उसका इंजन है। तो अंकल गया अभी वहाँ पे तेल लेने, जितना बोतल में था पेट्रोल वो डाल दिया, ऑयल अभी और लेने गया ताकि वहाँ पे अगर कुछ काम भी पड़ गया तो कोई परेशानी ना हो। अभी हम काफ़ी चल के आए, कसम से बहुत मुश्किल है यार इसको पहुँचाना, अभी करते अपना सफ़र कंटिन्यू। वो रेडी वहीं पे सड़क में खड़ी कर दी क्योंकि यहाँ तक पहुँचती नहीं थी, वो उठा के अंकल जी ले आए, ये हम और आंटी भी इधर थे, सारा सामान हमने ले आए। और रास्ते में जो गली थी ना आने की, कसम से इतनी प्यारी थी ना, वो अभी मैं आपको जस्ट जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी रोल है पूरा, अंकल जी पूरा खोल रहे पूरा आगे तक लास्ट तक, फिर देखते कैसे चालू होगा। बाकी ये रे अपने एप्पल, ये देख रहे उनको अच्छे से, हाँ यहाँ पे जाके दिखाएंगे, ये रे ताजा ताजा सेब, अभी इनमें से हम खाएंगे बहुत सारे। यहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी ना, दूर दूर तक पूरे सेब सेब, मतलब सिर्फ सेब के पेड़। जैसे हमारे गर्म गांव में होती है ना खेती होती है कणक की मक्की की, मतलब वहाँ पे पूरे गांव में सभी बंदे मक्की रहेंगे एक साथ, सभी बंदे कणक, यहाँ पे वैसे ही। और जगह का नाम है यारीपुरा, वाह साहिलविया का घर कौन सी जगह है, मतलब गाँव का नाम यारीपुरा, मस्त नाम है यार, कमेंट करके बताना कैसा नाम लगा। अभी उस गली में भी जाके आपको दिखाते, इतना प्यारी गली थी ना कसम से, हाय हाय वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी रील्स बनती थी। लेकिन हमारे पास कोई है नहीं बनाने वाला, बाकी एप्पल यहाँ पे थोड़े कच्चे, इस पेड़ के पूरे लाल हैं बोए हुए ऊपर तक पूरे लाल। अभी देखते मशीन बहुत भारी थी, काफ़ी मुश्किल से उठा के लाई है, अभी देखते दवाई कैसे करेंगे, फिर आगे पीछे पानी ढूंढना पड़ेगा। तो एप्पल कोई भी चीज़ खानी बिना दोए नहीं खानी, धोके खानी है। इसकी बात कर रहे थे आने का रास्ता भी देना, ये टर्न किया, ये देखो पूरे सेंटर में रास्ता, और दाएं बाएं में यहाँ पे पूरा उन्होंने क्या बोलते हैं ये लोहे की लगाई हुई है तारें, यानी कि ग्रिप की हुई है पूरी, और इधर और दाएं बाएं पूरे भाग। बाकी देखना देखो कितना मज़ा आ रहा है, पूरा बीच में चलने का अलग ही फील आ रहा है कसम से, मज़ा आए हाय मज़े, क्या बात है। और दाएं बाएं पूरे एप्पल पक चुके हैं, मतलब पूरे नहीं पके लेकिन मैक्सिमम लाल है। और ये रहा कहाँ गया, ब्लर क्यों हो जाता है, नेचुरल एप्पल लाल लाल। अब इसको खाएंगे फिर देखेंगे इसका टेस्ट,
कसम से इतनी एप्पल जिंदगी में पहली बार देखे, मैं कभी कश्मीर ना आता तो कभी देखता ही नहीं। थैंक यू साहिल ब्रा, आपकी वजह से हम इतने एप्पल देख पाए और ताजे खा पाए। ये कलम की हुई है, मुझे होता ना कलम किसको, मतलब कि किसको कलम के बारे में नॉलेज है, ये होता है नीचे से कोई और, यार ब्लर मत हो, नीचे कोई और पेड़ होता है ना ऊपर से काट के, मतलब किसी और की टहनी लगा के ना उसको थोड़ी मिट्टी लगा के थोड़ा सा कर देते हैं। मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन एक पेड़ के ऊपर दूसरी पेड़, अगर हम सीधी भाषा में बात करें ना, एक पेड़ नीचे से कोई और होगा उगा होगा, उसको कलम करके ऊपर से कोई अलग ही पेड़, यानी कि सेम के पेड़ में ना ऊपर मान लो अमरूद का बूटा, हाय हाय खड्डे में गिर गया भाई। हाँ ये क्या मिला मुझे, लाल सेब, ये है ना मस्त, क्या बात है। कितने बंदों ने पेड़ में लगा सेब नहीं देखा होगा, मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब कश्मीर आने से पहले मैंने कभी जिंदगी में सेब नहीं देखे थे पेड़ में लगे हुए, ऐसे तो बहुत सारे देखे हुए थे यार, ये भी लाल लाल आए हैं, नेचुरल चीज की अलग ही बात है अपने ही जिंदगी में। हमारे घर नहीं होता, तो मैं कसम से घर में भी लगाऊं पेड़, अभी चल रहे हैं आगे, अभी देखते हैं दवाई कैसे डालेंगे अंकल जी। और तोड़ लिया हमने सेब, यहाँ से धो लिया, हमें पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था, अब खाएंगे इसको। जो जो स्वाद है ना अभी, ये मार्केट में जितने मर्जी सेब आज खाए ना, ये खा लो वैसा नहीं आने वाला, क्योंकि अपने हाथ से तोड़ा ताजा सेब, ना इसमें कुछ मिला ना कुछ, बिल्कुल ओरिजिनल, इसका स्वाद ही अलग है, इतना रस है ना इसमें मस्त। अपना पीछे प्रोसेस चल रहा है, दवाई बाल्टी वगैरह में पड़ चुकी है तो करते हैं, दवाई डालेंगे वो भी दिखाएंगे। और जब मैं आया ना, एक सेकंड में खा लूं, जब मैं आया ना मैं सोच रहा था कि 3-4 सेब तो जाते ही खाऊंगा पूरे दिन में, पता नहीं कितने खाऊंगा, मतलब ऐसा सोच के आया था दबा के खाऊंगा। कसम से बता रहा हूँ ये सेब मेरे से खत्म नहीं हो रहा, एक सेब नहीं खत्म हो रहा अपना। घर में पापा और कहीं मतलब आते ना मार्केट से, 3-4 तो जैसे ही लाएंगे घर पहुंचेगा 3-4 तो तभी के तभी खा दूंगा ना, लेकिन ये बता रहा हूँ एक सेब में इतना रस्ता, इतना रस्ता ना कि पेट फूल हो गया, पेट भर रहा है ना पता, इसे ऊपर नहीं, एक सेब भी बहुत मुश्किल से खाने हो रहा है, मतलब रज नहीं गया, मतलब कि दिक्कत नहीं होगी, ऐसी बात नहीं कि बेकार, टेस्ट बड़ा है, टेस्ट अभी है कि दिल कर रहा है मैं बहुत सारी खा दूँ, जगह हो पेट में तो खाएंगे ना, ऐसे क्या खाएंगे। चलो फिर अभी क्या पता कितना टाइम लगता है दवाई को, तब तक इधर ही है तो देखेंगे और कितने खा पाएंगे पूरा बताएंगे। और ये दवाई है ना, ये दवाई किसी को पता नहीं होगा कि क्यों डाल रहे वगैरह वगैरह, ये दवाई है कि इसमें कोई बीमारी ना हो, कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है इसका, यह है मतलब कोई बीमारी कोई गंदगी वगैरह वगैरह सेम में ना लगे, बिल्कुल सेफ साफ हो, इसलिए ये दवाई है फिलहाल, ये लिक्विड वाली एंड ये पाउडर, अभी करेंगे स्टार्ट। और खेत पड़ा है, मुझे लगा पूरे दिन से इतना टाइम लगेगा, अंकल जी बोल रहे हैं 1-1.5 घंटा लगेगा, देखते हैं फिर। एक ऊंचे ऊंचे इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, अंकल जी बोल रहे हैं इसके ऊपर भी दवाई जाएगी, मतलब ये डालते हैं ना कि पेड़ों को, ये डालेंगे सेब के ऊपर, मतलब सेब के ऊपर दवाई पड़नी चाहिए। अभी डाल वाइट सेब, जो जो व्हाइट सेब है ये रेड होंगे ना अभी, ये वाले जैसे, हाँ जैसे कई पेड़ों में रेड हो गए पूरे, कई में व्हाइट है अभी। अपना छोटे सा बम्बी यानी कि इंजन हो गया स्टार्ट, ये रहा ड्रम, यहाँ से वो खींच रहा दवाई पूरी, यहाँ से जा रही है पाइप के थ्रू, आगे अंकल जी चलेंगे पेड़ों में डालने का सीन भी दिखाता, बट यहाँ में सीन हो गया, यहाँ में मैं लग चुकी है ड्यूटी, क्योंकि देख सकते हैं ड्रम में दवाई हो रही है काम, एंड ये पीपा मुझे यहाँ पे ड्यूटी लग चुकी है। एक बाल्टी से वो है ना छोटा सा बोतल का टुकड़ा काटा है वो भर के उधर डालना, एक इस बाल्टी से भर के उधर डालना, फिर वो इधर डालना। अभी पानी कम हो चुका है, अब जल्दी से मैं फुल करता हूँ, अगेन वो खाली हो गया, जस्ट अभी फुल किया था फिर से मैं भर के आया, बस यही काम मैं रिपीटेड में करता जाऊंगा जब तक अंकल पूरे खेत में यानी कि पूरे बाग में डालते नहीं, फिर जब डालते इन पेड़ों में पहुंच जाएंगे ना इन पेड़ों में, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि डालते कैसे। भाई बहुत जल्दी मशीन खींच रही है, फिर से ड्रम आता हो गया, मैं फिर से अपना काम, क्योंकि पहले काम जरूरी है, बाकी ये वीडियो सब बाद में, जब अंकल पूरे खेत में करके आएंगे ना ड्रम के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन एप्पल में कैसे पड़ता जाएंगे। बाकी एप्पल 2-3 तोड़ के ले जाते हैं घर, मस्त खाएंगे आराम से। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे मशीन रख के हम चला रहे थे ना, दवाई डाल रहे थे ये वाले, तोड़ लिए मैंने अपने लिए 2-3 एप्पल,
अब ये रेडा टाइप मजाने की मशीन रोल है, ये घर तक पहुंचानी है, एप्पल मेरे पॉकेट में, घर जाके धोके आराम से बिस्तर में बैठ के खाएंगे। बाकी वाह यार, बाकी जब सेब उतरेंगे ना गाड़ी में जाएंगे, तभी हम साहिल के साथ फिर इधर ही होंगे ना, मतलब सेब का सीजन लगाएंगे, तो उतारूंगा भी मैं पेड़ में चढ़ के। वाह यार क्या मजा आएगा, तो बने रहना ब्लॉग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल में सेट कर देना जल्दी से। खेतों को पूरी दवाई दे दी, फिर से अपनी गाड़ी होगी पूरी लोड, अब वापस यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पे घर था, वापस घर तक। बाकी सेब अपने खाने के लिए तोड़ लिए, वहां पे जाके आराम से खाएंगे। अगेन पहुंच चुके अपने रूम में, पूरे वहां से थक चुके काफी ज्यादा है, और दवाई भी अपने टांगों पैरों में थोड़े कपड़े में गिरी थी, तो नहाना तो कंपल्सरी है, नहाना तो पड़ेगा। बाकी कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि वहां पे काम भी था, तो जैसे वो काम सारा फिनिश किया खत्म किया तो फिर उठा के गाड़ी में रखा तो आ गया। अब इतना दूर था कि सभी साथ में आए, मैं अकेला पीछे क्या करता, इसलिए मैं भी आ गया। अगर शाम को साहिल के साथ फिर गया तो फिर अच्छे से वापस से दिखाएंगे। फिर भी मुझे बताना कैसा लगा आपको, सेब लाए बट पेट भरा हुआ अभी भी, कब खाली होगा कब सेब खाएंगे, मेरी आंखें तरस रही है भाई। अब चलते हैं जल्दी से नहा धो के फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भैया, और अभी तक नहीं आए। अपना नहाना हो गया और सेब भी धो के ले आया, लेकिन सेब अभी नहीं, सेब शाम को खाएंगे, अभी खाएंगे खाना क्योंकि अंकल जी नीचे बना रहे खाना, खाएंगे खाना। फिलहाल मैं रूम में थोड़ी देर रुकता हूँ, थोड़ा अपना काम करना, अपनी गेमिंग वीडियो की एडिटिंग करनी है, गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जेके यारा वाले लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट कराना अगर आप फ्री फायर इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो मत जाना ठीक, जो इंटरेस्टेड है वही जाना। अभी चलते हैं रूम के अंदर, वहाँ पे करते हैं गेम की एडिटिंग, देन अपलोड करेंगे वीडियो। आ चुके साहिल भाई की गाड़ी के अंदर, ये हमारे छोटे उस्ताद, क्या नाम है आपका? आजी। गाड़ी चलाओगे? हवा मारोगे? नहीं मार सकते, नहीं चलेगी, मैंने बंद की हुई है। अभी अपने बैग कर दिए तैयार, और अनुज भाई साहिल भाई के घर हैं, अभी आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ एडवांस में गाड़ी की, थोड़ा अपने सामान निकाल दिए बैग और देखभाल करने के लिए, मतलब कि साफ सफाई कर दी। अब यहाँ से अपने बैग लेके निकलेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट, तो आगे बने रहिए, आगे आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या सिस्टम है सारा दिखाएंगे। अभी हम तीन बंदे जा रहे थे बाइक में, और आगे नाका लगा हुआ है, बाइक एक खड़ी है, और साहिल भी अनुज भाई गए आगे गाड़ी लेने, यहाँ पे डागी थे हाँ वो आ रहे, और मुझे सिक्योरिटी के लिए बाइक के पास खड़े किया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वो गाड़ी लेके आएंगे फिर, देन हम गाड़ी में। यहाँ पे डागी है, हाँ हाँ डागी, हेलो हेलो, हे डागी तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी हेलो 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 हेलो, एक उधर है वो बहुत क्यूट है, कहाँ गया हेलो, भाग रही, ये चला गया अपने मम्मा के पास, इसकी मम्मा मुझे ध्यान से गौर से देख रही है। अब हम रिस्क नहीं ले सकते, अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया कसम से 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, और मैं बैठ चुका हूँ अपनी बाइक पे, अब करेंगे साहिल भी और अनुज भाई का वेट, वो गाड़ी लेके आएंगे, तो कम इधर ही आसपास ही है। देखा छोटे छोटे डाकियों को पास बुलाने की निंजा टेक्निक, ऐसे मैं इनके पास जा रहा था, ये अपनी मम्मा के पास उधर रोड पे जा रहे थे, मैंने लाया थोड़ी दुकान से चीज लाई, डाली इनको बिस्कुट थोड़े लाए, इनको डाले, डालता मैं अपने बाइक के पास ले आया। अब यहाँ से उठा रहे हैं, वहाँ पे जाके खा रहा है, फिर यहाँ से उठा रहा है, फिर वहाँ पे जाके खा रहा है, उसने भी उठाए फिर वो अलग चला गया पता नहीं क्यों। ये बहुत क्यूट है, इसके पास चलते देखते अभी ये बाकी का। अच्छा वो तीसरा था भाई, ये चुपके चुपके यहाँ पे बैग रखे हुए ना, इसके आगे ये था, अभी हम टर्न करते। अच्छा जी ये मैंने आइसक्रीम खाई ना एक, उसकी डंडी डंडी खा रहा है, मैं तो डंडी बोलूंगा। अच्छा क्या हाय, कितना कमेंट कर बताना, क्यूट लग रहा है ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रूठा हुआ नहीं होता, अगर मैं अपना डॉगी हो या अपना पालतू कुछ हो, रूठा हुआ लगता है ना ये, मतलब वैसी इसका शक्ल है। डरा नहीं, डरा रहा मैं तुझे, क्या क्या गुंडा बनो क्या गुंडा बनोगे, तुम तो डरते हो बहुत ज्यादा, तुम तो डरते ही बहुत ज्यादा हो। अच्छा अच्छा ये कैमरा है, नहीं डरते, ये डर रहा है, अभी जाते दूसरे के पास, चीकू चीकू चीकू,
विश। चलो छोड़ो, इनको परेशान नहीं करना, हम अपना यहाँ पे बैठ के रेस्ट करते। वो फिर से आ गया। अच्छा अच्छा मेरे भाई के पास, बट यहाँ पे डॉगी भी है, मुझे डर भी लग रहा है। डॉगी चलेगी अपने बच्चे को लेके, अब मस्त में बाइक में बैठूंगा एंड पे, ये उनको इंतजार करेंगे हम। इधर इधर, हेलो, चला गया भाई। अच्छा तीन थे, एक वहां पे बैठ के खा रहा है, एक वहां पे वाइट वाला वहां पे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वो वाला लगा, उसका कलर कुछ जोजो जैसा था, मतलब कुछ अलग था। अभी पहुंच चुके फोर लाइन में, कॉन्वाई में। ये सभी गाड़ियां, ये सभी गाड़ियां यहाँ पे कॉन्वाई में खड़ी हैं, हम भी कॉन्वाई पे खड़े। तो इस ब्लॉक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन ही होगा कि हम कहाँ से निकले, कौन सी गाड़ी में बैठे, क्यों कॉन्वाई में खड़े, क्या, वो आपको अनिश भाई की वीडियो में रिवील हो जाएगा बस नेक्स्ट कुछ दिनों में, फ्यू डेज। तो ज़्यादा इस डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे, बस नहीं कर सकते बस। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। एप्पल वाला स्पेशल ये ब्लॉग था, दी कश्मीरी एप्पल ख़त्म हो चुका है, और मुझे याद नहीं रही अपने साथ सेब लाने की, यार एप्पल लाने की, यार याद भूल गई, एप्पल आए होते मस्त मज़ा आता। अभी मैं जा रहा हूँ पैदल आगे के शॉप ढूंढने, नहीं तो आगे के आसपास दुकान मिले वहाँ पे खाने पीने का, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई चिप्स वगैरह वगैरह, जिससे हमारा आज रात का टाइम क्रॉस हो जाए, फिर टाइम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं, और मुझे कमेंट कर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बाय बाय।